नमस्कार, मैं अश्वानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्र ने कहा है कि जबरन मतांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे से, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में पिछली रात भड़के विरोध पर सवाल उठाए और पूछा कि परियोजना को अपने अंतिम चरण में रोकने की योजना कैसे बनी। बीती रात विजहिंजम थाने में हिंसक प्रदर्शन की घटना सामने आने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान पी राजीव ने कहा कि बंदरगाह पर निर्माण कार्य को रोकने के अलावा 7 मांगों में सभी को स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 3 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली एक बैठक के लिए ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव डब्ल्यू मनवांग कोन्याक ने बताया कि ENPO का 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। इसमें गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सतारा से संबंधित प्राधिकरण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वन भूमि में कब्रिस्तान के आसपास कथित अतिक्रमण को गिराते समय अफजल खान की कब्र यानी मकबरा को नहीं छुआ है। दिनांक 11 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में सतारा जिला कलेक्टर के विध्वंस से पहले और बाद की तस्वीरों के साथ एक हलफनामा दायर किया गया था। जायडस लाइफ साइंसेज ने सोमवार को कहा कि उसे लेवोथायरोक्सीन सोडियम इंजेक्शन बाजार में बेचने के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है, जिसका इस्तेमाल थायराइड हार्मोन की कमी के इलाज के लिए किया जाता है। कभी गरीबों का अनाज कहकर थाली से बाहर कर दिए गए मोटे अनाज अब फिर चर्चा में है। इन अनाजों में बाजरा, रागी, ज्वार, सावाम, कोदो और कुटकी आदि शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में मोटे अनाजों के लिए पोषक अनाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। असल में यही इनकी पहचान है। पोषण के मामले में ये अनाज गेहूँ और धान से बहुत आगे है। कला प्रेमियों के लिए दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। राजीव मिश्रा की समकालीन कलाकृतियों पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन का आयोजन दिल्ली के रविंद्र भवन में 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनी का शुभारंभ 30 नवंबर बुधवार को दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। इस याचिका में राज्य की राजधानी अमरावती को घोषित करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें राजधानी के लिए निर्माण कार्य को 6 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश हाईकोर्ट ने 3 मार्च को दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पिछले 8 सालों में दूध उत्पादन में हुई वृद्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी शक्ति को और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक ट्वीट के जवाब में आई है। दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या के साथ साथ आरोपी आफताब पूनावाला पर अब ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लगा है। तिहाड़ जेल में बंद आफताब पर ड्रग्स का सेवन करने के कारण सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। गोवा सरकार द्वारा क्लीन एथान अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कचरा मुक्ति के इस आयोजन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने सफाई अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसकी कुछ तस्वीरें अब सामने आई हैं। गोवा के समुद्र तटों पर घूमने के लिए पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। एयर इंडिया में पायलटों की कमी को देखते हुए कंपनी अब विदेशी पायलटों को नियुक्त करेगी। हालांकि कुछ वरिष्ठ भारतीय पायलटों ने इस कदम को पागल पहल करार दिया है। वरिष्ठ पायलटों के मुताबिक एयर इंडिया के पास पहले से ही बोइंग 777 का परिचालन करने के लिए कुशल और अनुभवी पायलट हैं और विदेशी पायलटों की नियुक्ति एयर इंडिया का एक पागल पहल है। जजों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों पर सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो उसे न्यायिक आदेश देना पड़ सकता है। गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में कांग्रेस की साइलेंट लहर होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित इस राज्य में बदलाव बहुत जरूरी है और ये विधानसभा चुनाव गुजरात और देश को एक नई दिशा देगा।
असम की डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां रैगिंग से तंग आकर एक छात्र हॉस्टल की दूसरी मंजिल से कूद गया। छात्र आनंद शर्मा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं असम पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 3 दिन पहले एक दूसरे पर जोरदार बयानबाजी की थी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था, जिसके बाद पायलट ने भी मुख्यमंत्री को बचकाने बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। अब इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। फुटबॉल प्रेमियों का पसंदीदा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अपने चरम पर है। मध्य पूर्व के देश कतर में 20 नवंबर से टूर्नामेंट चल रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में कतर में कैमल फ्लू या रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS बीमारी के फैलने का खतरा जाहिर किया गया है। WHO के विशेषज्ञों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कैमल फ्लू या रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS नामक घातक बीमारी फैल सकती है। दिल्ली में 1 दिसंबर से अत्याधुनिक सुरक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगने जा रहा है। यहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में मददगार अत्याधुनिक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में ड्रोन समेत रात में देखने की सुविधा वाले निगरानी कैमरे, सुरक्षा गेट जैसे अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण की 93 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 833 उम्मीदवारों में से 245 यानी 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण दिया गया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों IPL 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और कृणाल पांड्या के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड रैपर बादशाह अपने फेमस गाने काला चश्मा पर रैप करते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति पदक के लिए बिहार के 29 पुलिस अफसरों और कर्मियों के नामों की अनुशंसा की गई है। बिहार सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को तमाम नाम भेज दिए गए हैं। अब गृह मंत्रालय के अधीन स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा समीक्षा के बाद नामों का चयन होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और मालदा के मानिक चक से TMC की विधायक सावित्री मित्रा विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गई हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है कि जिसमें सावित्री प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करती नजर आ रही है। गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दक्षिण बिहार का इलाका सूखाग्रस्त रहता था। नीतीश कुमार जी ने इस इलाके में गंगा जल पहुंचा दिया है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बपी लहरी परिवार के लिए यह एक बहुत ही संवेदनशील क्षण था। भावुक रेमा लहरी ने कहा कि मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक मेरी ताकत थे। वो बहुत जल्दी चले गए, यह अब सब बहुत अचानक हुआ। हम अब भी अपने बीच उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को मिले ईमेल में सादिक नगर में स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में बम रखे जाने की सूचना दी गई थी। पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और बम निष्क्रिय करने वाला दस्ता और खोजी कुत्तों के साथ दस्ता मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर का है, जहां सोमवार यानी आज सुबह 9 बजे सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म में अब वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ये जल्द ही गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म को भी पीछे छोड़ सकता है। सीएम KCR पर निशाना साधते हुए बंदी संजय ने ट्वीट किया और लिखा, बैंसा प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम वहां क्यों नहीं जा सकते? जो सीएम हमें शांति से बैठक नहीं करने दे सकते, राज्य की रक्षा कैसे करेंगे? पुलिस ने मुझे रोका और मुझे करीम नगर वापस कर दिया और इस कारण प्रजा संग्राम यात्रा 5 का जवाब है। युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को इतिहास रच दिया है। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में एक ओवर में 7 छक्के जमा दिए हुए लिमिटेड ओवर क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 6th से लेकर 12th तक में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिलेंगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। फ्री सैनिटरी पैड देने के लिए सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग डॉक्टर जया ठाकुर ने की है। याचिका उनके वकील वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर ने दायर की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है निशा कुमारी, अभिनेश कुमार, नुनू कुमार गोलू, मोहम्मद नौशाद, मुटू रंगीला और पीयूष पटेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश के सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा 6th से 12th तक की छात्राओं को फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया कराना चाहिए या नहीं। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।